केंद्र ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से महाराष्ट्र के 83 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा। शरद पवार को सुरक्षा मिलने पर महाराष्ट्र बीजेपी विधायक नितेश राणे ने तंज कसा। राणे ने कहा, शरद पवार को जेड प्लस सुरक्षा मिली है, 55 सीआरपीएफ उनकी सुरक्षा करेंगे। मुझे नहीं पता कि इन्हें कौन मारेगा और इन्हें किससे खतरा है। खबर पढ़ी तो सोचा कि क्या देश और प्रदेश में 50 साल बाद भी किसी को जेड प्लस सुरक्षा मिलती है। केंद्र ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से महाराष्ट्र के 83 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा। शरद पवार को सुरक्षा मिलने पर महाराष्ट्र बीजेपी विधायक नितेश राणे ने तंज कसा। राणे ने कहा, शरद पवार को जेड प्लस सुरक्षा मिली है, 55 सीआरपीएफ उनकी सुरक्षा करेंगे। मुझे नहीं पता कि इन्हें कौन मारेगा और इन्हें किससे खतरा है। खबर पढ़ी तो सोचा कि क्या देश और प्रदेश में 50 साल बाद भी किसी को जेड प्लस सुरक्षा मिलती है।